हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का जो सेट चल रहा है उसके जीएस के प्रश्न। ठीक है, आज डे टू है और इसके जीएस के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है कि मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता था। देखिये, संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाने के लिए एक अनुवाद, पूरा अनुवाद के लिए मतलब जगह ही बनवा दिया था कौन, अकबर। और उसी समय में जो बदायूनी थे उन्होंने इसको चेंज किया था और इसका नाम दिया था रज्मनामा। ठीक है, संस्कृत अनुवाद जब किया गया था, सॉरी संस्कृत से फारसी में महाभारत का, उसका नाम दिया था रज्मनामा। चेंज किसने किया था, बदायूनी। इसको आप याद रखेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं का पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको आप याद रखेंगे। उनको भारत ने पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, कॉफी अन्नान कौन थे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कॉफी अन्नान काफी फेमस व्यक्ति हैं, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी आप हमें बताएंगे। ठीक है, अब्राहम लिंकन को तो आप सब जानते हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। कह रहे कि 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय का मुख्य समर्थक में कौन था, तो इनका नाम था शंकर देव। 15वीं शताब्दी में असम में शंकर देव ने भक्ति संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। ठीक है, पहले असम का नाम जो था उसको कहते थे कामरूप। ठीक है, असम का नाम पहले क्या होता था, कामरूप होता था। कामाख्या मंदिर है वहां पे असम के अंदर। बढ़ते हैं आगे। 2019 में लिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। देखिए, 2019 के करंट अफेयर है, अभी आपका काम के नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपके काम की हैं। चौखंडी स्तूप कहाँ है, चौखंडी स्तूप आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ये आंसर यही होगा, चौखंडी स्तूप ये आपको देखने को मिलेगी बनारस में। कहाँ, बनारस। धमेक स्तूप ये भी है बनारसी में। कहाँ पे, बनारसी। केसरिया स्तूप जो है ये आपके चंपारण जिले में है, चंपारण। ठीक है, ये बिहार के चंपारण जिले में केसरिया स्तूप है। और रामभर स्तूप जो है ये कुशीनगर में है। कुशीनगर कहाँ सर, कुशीनगर भी यूपी में है। ठीक है, तीन चारों चीजों को आप याद रखेंगे कि चौखंडी स्तूप बनारस, सारनाथ, सारनाथ जानते हैं ना, जैसे बोधगया प्रसिद्ध है बिहार में वैसे ही सारनाथ प्रसिद्ध है यूपी में। धमेक स्तूप वाराणसी, केसरिया स्तूप चंपारण, रामभर स्तूप कुशीनगर यूपी में है। इन सारी चीजों का आप याद रखेंगे, कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। कह रहे हैं कि 2019 में कारखाना अधिनियम 1947 संशोधन करके मंजूरी दी गई किस राज्य में, तो ये गोवा में दिया गया था। ठीक है, कारखाना अधिनियम में क्या होता है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कारखाना चलाने के लिए कि आप कितने मजदूर हो जाए। जैसे एक रूल मैं बताता हूँ, कारखाना अधिनियम का रूल है 1947 का, कि यदि किसी फैक्ट्री में या फिर कहीं भी 250 से अधिक इंसान काम करेंगे तो उस फैक्ट्री के अंदर कैंटीन होना जरूरी है। समझ गए, कारखाना अधिनियम में ही नियम बनाया गया कि एक वर्कर एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, इसीलिए 6 दिन में 8-8 घंटे करवा के 48 दिन और एक दिन गैप दिया जाता है। समझ रहे हैं, ये सब कारखाना के रूल्स हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता मतलब होता है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत, ये आर्टिकल 17 में किया गया। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में। इस पे एक मूवी बनाया था आयुष्मान खुराना, उसका एक मूवी आया था, आपको देखना चाहिए था। ठीक है, आर्टिकल 17 में। तो सर आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 21 बारे में जानिए, 21 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 में जीवन जीने की आजादी है। ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, आपकी प्राइवेसी जो होती है इसी के तहत मेंटेन रह पाती है। यदि आपकी पत्नी भी आपसे पूछ रही है कि तनी पासवर्ड बताइए, हो कोची है तो मोबाइल के पासवर्ड, ना आर्टिकल 21 कहता है कि हम ना बताएंगे, और कुछ नहीं कर सकती है। ज्यादा प्यार है तो बताओ, करो ला फोटो देख लेगी तो हालत खराब हो जाएगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 हमने बता दिया, आर्टिकल 25 कहता है कि आप मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, अंतरात्मा से या फिर बाह्य रूप से, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे आप जो मन उस धर्म को मान सकते हैं। आप यदि हिंदू हैं, मुस्लिम से शादी करना चाहे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब शादी कीजिए, पूजा कीजिए, आप मठ में जाइए, मजार में जाइए, कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्टिकल 25 ही आपको छूट देकर रखा है। आर्टिकल 16 के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है आर्टिकल 16। बढ़ते हैं आगे। 2018 तक की स्थिति के अनुसार कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था, ये आइवरी कोस्ट था। कौन था, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका राजधानी है अबिजान। क्या नाम है, अबिजान, इसको भी याद रखेंगे। आइवरी कोस्ट की राजधानी अबिजान। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। अमेजन वनों का सबसे अधिक भाग ब्राजील में मिलता है, और इंडिया के बारे में तो क्या ही कहने, हमारा प्यारा भारत है ये।
भारत की उस एकमात्र मादा आर्गुंडन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था, उसका नाम था बिन्नी। ये आपको याद नहीं रखना है, उस समय करंट अफेयर था, अभी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी मोदी जी जो चीते मंगवाए हैं किस देश से मंगवाए हैं, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क में जिनको छोड़ा गया है। 2018 में निम्नलिखित में से आंख के किस भाग के में वैज्ञानिकों द्वारा 3D मुद्रित किया गया। ये 3D मुद्रित करने का मतलब कि आंख का एक पार्ट है जिसको वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग करके बना दिया। अभी आजकल घर बनाया जा रहा है 3D प्रिंटिंग से, सीधा सीधा घर ढाल को ऐसा लाके आपके घर पर रख दिया जा रहा है, इसी को 3D प्रिंटिंग कहते हैं, समझ गए। 2D का मतलब उसमें केवल लंबाई चौड़ाई, और जैसे 3D होता है उसका मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें उसमें शामिल होती है, समझ गए। तो 3D प्रिंटिंग कौन सा चीज बनाया गया, तो ये कॉर्निया बनाया गया। कॉर्निया जो होता है इसी को हम जब आंख नेत्र दान करते हैं तो केवल कॉर्निया दान करते हैं, ना कि पूरा आंख निकाल कर दे दिया जाता है, केवल कॉर्निया दान किया जाता है। हमारे आंखों में उत्तर लेंस लगा है, ठीक है, प्राकृतिक लेंस जो है वो उत्तर लेंस होता है। आयरिस जो है इससे आंख का कलर डिपेंड करता है, कई लोग आंख देखेंगे भूरा होगा, लाल होगा, काला होगा, तो ये आयरिस का कलर होता है। आयरिस का एक्चुअली काम क्या होता है कि सामने से कितना प्रकाश आ रहा है और इसको आंखों में कितना पहुंचाना है इसको कंट्रोल करता है आयरिस। रेटिना की बात करते हैं तो रेटिना का काम होता है इसी पर जाके इमेज बनता है और तब हमको दिखता है, ठीक है। तो चारों चीजों को हमने यहाँ डिस्कस कर दिया, ये सबका काम क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज 20,000 रन सबसे जल्दी बनाया था, विराट कोहली बनाए थे, कोई जरूरत नहीं है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, देखिए मार्को पोलो था ना, इसका संबंध मोरक्को से नहीं वेनिस से था, कहां से था, वेनिस से। अल बरूनी जो था इसका संबंध तुर्की से नहीं था, इनका संबंध था खीवा से, कहां से, खीवा एक देश था, मतलब स्थान कह सकते हैं, वहां से इसका संबंध था अल बरूनी का। फ्रांसवा बर्नियर जो था इसका स्पेन से संबंध नहीं था, इसका फ्रांस से था, कहां से, फ्रांस से। और दुआर्ते बारबोसा जो है इसका संबंध आपका पुर्तगाल से था, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी तीनों का नाम हमने आपके सामने लिख दिया है, उसका आप याद रखें कि उन तीनों का संबंध कहां कहां से था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये जग जाहिर है 746 वाट, 746 वाट, ये जेम्स वाट जो है इन्होंने बाप इंजन खोज किया था, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। एसआई मात्रक होता है शक्ति का। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये हमने लिया था अमेरिका से, कहां से लिया था, न्यायिक पुनर्वलोकन और न्यायिक शक्ति जो है हमने कहां से लिया था, अमेरिका से। जर्मनी के जो संविधान है उसका नाम है वाइमर, वाइमर संविधान। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया था, ठीक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया से हमने अपने संविधान के लिए क्या लिया था, और जापान से हमने क्या लिया था ये भी आप हमें बताएंगे। जापान से हमने बहुत कम चीजें ली थी लेकिन जो लिया था आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी अम्ल होता है अम्ल के अंदर हाइड्रोजन गैस जरूर होता है, अम्ल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जरूर होता है, और जब वो धातु के साथ मिलता है तो होता क्या है कि वहां पे वो ऑक्साइड बनाते हैं और साथ साथ हाइड्रोजन जो होता है वो उड़ के निकल जाता है। और जब ये अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वहां पर लवण बनता है, मतलब नमक, और वहां से हाइड्रोजन जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन। कभी भी अम्ल की अभिक्रिया यदि धातु से या जल से कराई जाएगी तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अम्ल बिना हाइड्रोजन के बनता ही नहीं, KCl, HCl वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कम ऐसे अपवाद मिलेंगे जिस अम्ल में हाइड्रोजन नहीं रहेगा, बाकी सभी अम्लों में हाइड्रोजन जरूर होता है। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे, उस समय नरेंद्र बत्रा थे, कौन थे, नरेंद्र बत्रा थे हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। अभी कौन है वर्तमान में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अब मैं आपको याद दिला दूं कि शायद अगले सैटरडे को, हो सकता है इस सैटरडे को मैं 3 घंटे का पूरा मैराथन ऑफलाइन दूंगा क्लास में, केवल करंट अफेयर्स का, ठीक है, 2022 के जितने एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन सब का ऑफलाइन मैं क्लास दूंगा दोपहर में 12 से 3, हो सकता है ये मैं एक दिन अनाउंस कर दूंगा, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है। पूरे आपके करंट अफेयर एक साथ में करवा दूंगा ताकि आप जब सेट लगाएंगे तो आपको उसमें परेशानी ना हो, क्वेश्चन आराम से आपके फंसते जाए। केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सोना और अन्य मूल्यवान धातु पर सीमा शुल्क 10% बढ़ाकर कितना किया गया, तो 10% से 0.125% बढ़ा दिया गया था, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है, देखिए ब्रायोफाइटा का काम क्या होता है इसको ध्यान समझेंगे।
ब्रायोफाइटा जो पौधे होते हैं इनको जीवन जीने के लिए भूमि चाहिए होता है, और आपस में मतलब जनन करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनको पानी चाहिए होता है। मतलब पानी में इनका लैंगिक जनन होता है और स्थल पे ये जीते हैं, समझ गए। तो इनको स्थल और जल दोनों चाहिए, इसके लिए नम स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, छायादार नम स्थानों पर रहना पसंद करते हैं ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के अंदर आता है मॉस, मतलब काई। काई आप देखते होंगे कि कल का पानी या चापाकल का पानी जहां पर जाकर लगता होगा ना, वहां किनारे किनारे काई लग जाता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि उसको वहां पर जमीन भी मिल गया और पानी भी लगातार मिल रहा है, तो काई वहीं पे लगता है, इसी को ब्रायोफाइटा कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा एक्चुअली नहीं, ब्रायोफाइटा एक वर्ग है जिसके अंदर काई आता है। ठीक है, जिसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न सम्मानित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न सम्मानित इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से एक मतलब पोर्ट दे दिया है, कोलकाता का जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट मतलब बंदरगाह, उसका नाम चेंज करके बना दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, बाकी मुरारजी देसाई, एम जी रामचंद्रन और विनोबा भावे, इन तीनों को मिल चुका है भारत रत्न। ठीक है, विनोबा भावे को 1983 में शायद मिला था, एम जी रामचंद्रन को 1988 में, और मुरारजी देसाई को 1991 में मिला। ठीक है, इन चीजों का भी याद रखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं मिला था, इसको भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? हमेशा याद रखेंगे नागार्जुन, अर्जुन फेमस है कृष्ण की वजह से, महाभारत के पाठ रहे हैं, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, इससे आपको हमेशा याद रखेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, कृष्णा नदी जो है ये किन राज्यों से होकर बहती है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, किन राज्यों से होकर कृष्णा नदी बहती है। ठीक है, अच्छा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है ये भी कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचाई पर स्थित, ये तीनों आपके कमेंट सेक्शन में आंसर हमें मिलने चाहिए, तब मुझे पता चलेगा कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से खालिस्तान पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार महेंद्रगिरी, ये लगभग 1550 के आसपास ऊंची है, 1550 फीट के आसपास। इससे भी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है विशाखापत्तनम चोटी। क्या नाम है? विशाखापत्तनम चोटी, जो 1620 के आसपास ऊंची है। ठीक है, 1620 फीट के आसपास, तो 1550 यहां पे है, इसको आप लगा सकते हैं महेंद्रगिरी ऑप्शन के अनुसार। यदि विशाखापत्तनम चोटी होती तो आप उसको भी लगा सकते थे, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी में है। महेंद्रगिरी आपकी उड़ीसा में पड़ती है, विशाखापत्तनम तो जानते ही है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अच्छा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वहां पे कौन सी सबसे ऊंची चोटी बनती है ये भी आपको ऑप्शंस में इधर दिख रहा है, इसी में से एक आंसर है। 96 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखित नहीं है? चेतन भगत ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें रिवॉल्यूशन 2020 उन्होंने लिखा है, मेकिंग इंडिया ऑसम भी उन्हीं का लिखा हुआ है, वन इंडियन गन उन्हीं का है, हाफ गर्लफ्रेंड उन्हीं का है, टू स्टेट्स उन्हीं का है। मतलब जहां भी, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक है छोटा सा, कि जहां भी किसी भी बुक में यदि नंबर्स का जिक्र आ गया, आधा, एक, दो, पांच, 2020, पांच, ऐसे करके नंबर यदि आ गया तो बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं कि वो पुस्तक जो हो वो किसका है, चेतन भगत का है। समझ गए? जैसे देखिए रिवॉल्यूशन 2020 यहां नंबर आया, वन इंडियन गर्ल नंबर आया, हाफ गर्लफ्रेंड नंबर आया, टू एस्टेट्स नंबर आया, तो जहां भी नंबर आए तो मतलब बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं कि वो पुस्तक किसका हो जाए, चेतन भगत का हो जाए, क्योंकि ये इसी थीम पे पुस्तक लिखते हैं। तो कहिएगा सर इन्हें तो मेकिंग इंडिया ऑसम था, हाँ तो एक दो इधर उधर भी होता है लेकिन नंबर्स वाला खास करके उन्हीं का होता है। ये वाइज एंड अदरवाइज जो पुस्तक है इनके लेखक है सुधा मूर्ति। नाम क्या है? सुधा मूर्ति, जो इन्फोसिस कंपनी आप जानते हैं उनके जो हेड हैं, फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उनकी ये पत्नी है सुधा मूर्ति। ठीक है, उनकी ये पुस्तक है वाइज एंड अदरवाइज, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय आपको मिल जाएगा वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है? गुजरात में। वडोदरा गुजरात में। आपको बताना है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अब इलाहाबाद बैंक नहीं रहा, उसका नाम हो चुका इंडियन बैंक। ठीक है, तो इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अच्छा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है ये भी बताइएगा। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? यूको बैंक की टैगलाइन होती है ऑनर योर ट्रस्ट। क्या होता है?
ऑनर योर ट्रस्ट। सर टैगलाइन का मतलब कुछ मतलब जितने बैंक्स हैं वो सभी बैंक अपने लिए एक टैगलाइन बना कर रखते हैं। जैसे आपका इंस्टीट्यूट स्पीड मैथमेटिक्स, इसका एक टैगलाइन है वी सेट द पेस यू विन द रेस। ये स्पीड मैथमेटिक्स का क्या है, टैगलाइन है। उसी तरह से जितने भी बैंक हैं वो सभी अपना एक टैगलाइन रखते हैं। तो यूको बैंक का क्या है, ऑनर्स योर ट्रस्ट। सर ये जो है वेयर एवरी इंडिविजुअल आर कमिटेड इज कमिटेड, ये होता है किसका, ओबीसी बैंक का। इसका है ओबीसी बैंक। ओबीसी बैंक क्या है सर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये भी अब चेंज हो चुका है, ये अब शायद पंजाब नेशनल का पार्ट हो चुका है ओबीसी बैंक। ठीक है, ये सब बैंकों का मर्जर हो गया था 2020 के आसपास में, इसलिए सब बैंक चेंज हो गए। फेथफुली एंड फ्रेंडली, फेथफुली एंड फ्रेंडली ये किस बैंक का है, याद नहीं आ रहा है। गुड पीपल टू बैंक विथ, ये हमारा बैंक है। हमारा बैंक नहीं, एक्चुअली इसमें मेरा अकाउंट है, इसलिए मुझे हमेशा याद रखता है कि मैं गुड पीपल हूं और हमारे साथ बैंक है। समझ गए, ये यूनियन बैंक का है। किस बैंक का है, यूनियन बैंक का। ये टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। हाँ, यूनियन बैंक का है गुड पीपल टू बैंक विथ, इसलिए मुझे याद रहता है हमेशा। ठीक है, तो आप भी अपने अपने बैंक का जरूर याद रखेंगे कि उसका टैगलाइन क्या है। कह रहा है आगे, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। देखिए बांसुरी वादक सबसे फेमस रहे हैं हरिप्रसाद चौरसिया। कौन, हरिप्रसाद चौरसिया सबसे फेमस बांसुरी वादक रहे हैं। बात करते हैं जाकिर हुसैन की, ये तबला वादक है। क्या वादक है, तबला वादक। इनके जो बेटे थे, बेटे हैं एक्चुअली, वो भी तबला वादक है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। शिव कुमार शर्मा की बात करते हैं और रविशंकर, ये दोनों, अच्छा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि शिव कुमार शर्मा सितार बजाते हैं कि संतूर, और रविशंकर सितार बजाते हैं कि संतूर। ठीक है, या तो ये सितार बजाते हैं या तो संतूर बजाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों का नाम जरूर लिखेंगे कि शिव कुमार शर्मा क्या किसके प्लेयर हैं और रविशंकर किसके प्लेयर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंसर इसका रहा हरिप्रसाद चौरसिया। और आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट बट नॉट लिस्ट, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। मनोत्सु उत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, माओत्सु उत्सव नागालैंड। मैं अभी आपको होमवर्क में इन क्वेश्चन को दे रहा हूं याद करने के लिए। ठीक है, होमवर्क जो आपके चलता है सेट के पीछे लगा हुआ मिलता है, उनमें ये प्रश्न आपको दिया गया होगा, तो उसको जरूर याद कर लेंगे। हर एक एग्जाम में टीसीएस जिस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है उसमें ये ना पूछे तब तक उसका पेट का पानी नहीं पचता है। वो पूछेगा ही पूछेगा, तब जाकर उसे जान में जान आता है। तो आप लोग जरूर इसको याद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।